राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श जी, खुश रहो। आपने पहले दिन बताया था कि हिंदू धर्म में नारियों को जितना सम्मान है उतना किसी और धर्म में नहीं है। ठीक। तो महाराज, पहले के समय में सती प्रथा और बाकी ऐसे रूढ़िवादी चीजें क्यों थी अपने धर्म में? बेटा, हमारे धर्म में सती प्रथा कभी थी ही नहीं। बीच में कुछ दुष्ट लोगों ने अपनी मनमानी के लिए शुरू की। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए, दशरथ जी चले गए तो कौशल्या जी सती क्यों ना हो गई? यदि सती प्रथा रही होती हमारे सनातन धर्म में पहले से, तो कौशल्या माँ भी सती हो जाती। क्या कौशल्या माँ सती भई? नहीं साहब। क्या कैकेयी जी सती भई? नहीं। पांडु के मरने पर माद्री अपनी इच्छा से सती हुई, पर कुंती सती नहीं हुई। यदि सती प्रथा होती तो कुंती को भी बाला डाल दिया जाता आग में। इसका मतलब है कि हमारे वेद पुराणों में सती प्रथा कब थी? सती प्रथा का अर्थ ये था कि कोई पति मर गया हो और पत्नी चाहे, जैसे रावण का बेटा मेघनाथ मरा तो मेघनाथ की पत्नी सेलोचना वो सती हो गई, उसे किसी ने पकड़ के आग में डाला नहीं। सती का अर्थ ये था कि पत्नी अपने पति के साथ अपनी इच्छा से, वो सामान्य नारी नहीं, पतिव्रता नारी, अपनी इच्छा से जाकर जल जाए अपने पति के साथ, वो सती होता था। सती प्रथा फिर बाद में क्या थोप दिया गया कि नहीं पति, तुम पतिव्रता हो नहीं हो, कैसे भी हो तुम्हें पति के साथ जलना पड़ेगा, वो तैयार नहीं है तो भी हाथ पांव बांध के लोग डाल दिया करते थे चिता में। ये गलत था। ये किनने शुरू किया? ये कुछ मूर्खों ने शुरू किया। जैसे जैसे आज भी आपने देखा, कुछ साल पुरानी न्यूज में आपको बताऊं, चौराहे पे गाय को पकड़ करके उसको मार करके उसका मांस पका के कुछ नेताओं ने खाया था। ये कुछ साल पुरानी घटना है। जी महाराज, खाया था। जी जी जी। तो क्या गाय को मार करके खाना, क्या ये हमारा धर्म है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना। फिर भी कुछ लोगों ने मनमानी करके किया, तो ये क्या हो गई? उनकी मनमानी। उसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार कुछ मूर्ख राजाओं के कारण, कुछ गलत लोगों के कारण ये सती प्रथा पूरी में थोप दी गई, थोप दी गई। फिर इसे राजा राम मोहन राय इत्यादि महापुरुषों ने बंद किया, क्योंकि ये थोपी हुई परंपरा थी। यदि प्राचीन परंपरा होती तो कौशल्या जी भी सती होती, नहीं हुई। इसका मतलब ये हाँ, माद्री सती हुई है अपनी इच्छा से, किसी ने कहा नहीं कि तुम जल जाओ। तो इस ये हमारे यहाँ कोई सती प्रथा शुरू से नहीं रही है ना, थोपी गई है। जैसे गाय को आप चौराहे पर पकड़ के मार डालते हैं, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता, ये आप मनमानी कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ा रहे हैं, कोई शास्त्र थोड़ी कहता कि तुम बकरों की बलि चढ़ाओ। ये तो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, बाप दादों की वो कह के कि हमारी कुल परंपरा है, खानदानी परंपरा है। ये कोई परंपरा नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा। अब जो करे, अब आज देखो ना, बेटे अपने माँ बाप को मार मार के निकालते हैं, तो क्या हमारा धर्म कहता है कि माँ बाप को मारो? ये मनमानी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को मार रहे हैं। अब इन मनमाने लोगों का क्या करेंगे आप? क्या करूंगा मैं? मनमाना तो रावण भी था, ऐसे ही मनमाने कुछ दुष्ट पैदा भए जिन्होंने सती प्रथा थोप दी। मनमानी थोपी गई परंपरा, समझ में आ गई बात? साहब एक सवाल और है। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि हिंदू धर्म से अलग होकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म अलग हुए, तो ये महापुरुष क्यों अलग हुए? महापुरुष इसलिए अलग हो गए, अलग नहीं हुए। जैसे सिख धर्म अलग नहीं है, गुरु नानक देव जी ब्राह्मण शरीर से हैं। गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री आप उठाएंगे, वो खुद हिंदू हैं और दसों गुरु हिंदू हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। तो सिख शिष्य शिष्य कहते हुए वो सिख हो गए। तो हिंदू और सिख ये दो नहीं हैं, हिंदू और सिख एक ही हैं, चाहे हिंदू कहो सिख। कोई मान ले अपने आप को कुछ भी अलग विषय है। अब रही अन्य, जैसे आपने नाम लिया जैन, तो जैन कोई धर्म नहीं है। जैन एक समाज थी, एक जात थी, एक टाइटल था, एक सरनेम था।
परंतु बाद में उसे धर्म का नाम दे दिया गया। जी। अब रही बौद्धों की बात, तो जो बौद्ध हैं, इन्होंने हमारा, हमने आज ही कथा में बताया कि हमारे नियम थोड़े कठिन हैं, हमारे हिंदुओं के सत्य बोलना पड़ेगा, मांस नहीं खाना। अब जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध लोग गाय का मांस खाते हैं। भाई हम हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते, हम गाय का क्या, हम तो चींटी नहीं मारते। लेकिन उनका मन हुआ, जिह्वा उनकी बड़ी रही होगी, तो उनको गाय का मांस खाना था। वो गाय को मारते नहीं है, पर मरी गाय मिल जाए तो पका के खा लेते हैं। तो भाई हिंदू धर्म की जो मर्यादाएं रास ना आई किसी को कि आप सत्य के रास्ते पर चलिए, आप सीधे रास्ते पर चलिए, दया रखिए, भाव सब पे प्रेम का भाव रखिए। कुछ लोगों को मनमाना चलना होता है, एक बाप के दो बेटे होते हैं, वह भी अलग अलग हो जाते हैं, भाई विचार नहीं मिलते। तो जिनका विचार नहीं मिला उन्होंने अपनी दुकान खोल ली, उन्होंने अपना अलग से पंथ बना लिया। हमारा धर्म तो अनादि है, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, बाकी कोई धर्म नहीं है। तो ये तो अलग से लोगों ने शुरू कर लिया जो मन में आया। अब आप कहेंगे कि जो भगवान हुए हैं बौद्ध बुद्ध भगवान, उन्होंने स्थापना की? नहीं, बुद्ध भगवान ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। बौद्ध भगवान तो वेदों को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे, बाद में उनके अनुयायियों ने एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया। एक अब आप आश्चर्य मानेंगे, लोगों को ये नहीं पता कि बुद्ध कितने हुए हैं। बौद्ध जो हैं, बुद्ध भगवान जो हैं, जो बुद्ध भगवान हैं वह तो हमारे 24 अवतारों में एक हैं, पर जो बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध हैं वो अलग हैं, उन्हें हम 24 अवतारों से जोड़ लेते हैं। ये हम लोगों को ज्ञान ना होने के कारण हो जाता है। तो लोगों को रास्ता जो मन में आया अपनाते गए। भाई एक बाप के दो बेटे अलग अलग हो जाते हैं, किसी को रास नहीं आया हिंदू धर्म की मान्यता, भाई मैं गाय नहीं खाता, मैं गाय की पूजा करता हूँ, पर लोगों को लगा नहीं गाय खाना चाहिए, खाने वाले अलग धर्म हो गए, ना खाने वाला सनातन ही रहा। तो ये सब एक से ही विभक्त हुए हैं। राधे राधे।